हे गाइस, उबारो हियर। सो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में जो हम गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है सेव द डॉग। तो भाई बेसिकली इस गेम में करना ये है कि मुझे इस डॉग को सेव करना है इन बी से। अब वो कैसे करेंगे तो भाई वो तो आपको गेम में देख के पता चल ही जाएगा। तो भाई चलो भाई बिना टाइम बर्बाद के गेम को स्टार्ट करते हैं। यो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट लेवल में। एंड भाई फर्स्ट लेवल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। और भाई आपको पता ही होगा कि ज्यादातर गेम में यही होता कि फर्स्ट लेवल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसको मैंने बहुत ही इजी से पार कर दिया। एंड भाई चलो चलते हैं सेकंड लेवल में। एंड भाई सेकंड लेवल भी मुझे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, ये भी बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। देखो भाई बेसिकली आप ऊपर टाइमिंग देख रहे होंगे, जब हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो टाइमिंग स्टार्ट होता है। एंड भाई लगभग 5 सेकंड तक वो टाइमिंग चलता रहता है। मतलब अगर 5 सेकंड तक हमको बिग डंक नहीं मार पाया तो समझ लो कि गेम को हम जीत गए। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो भाई देखो हम थर्ड लेवल पे आ चुके हैं। थर्ड लेवल भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, इसको भी हम बहुत ही आसानी से पार कर दिए। और भाई इसी के साथ साथ हमको 3 स्टार भी मिल गया, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन बात है। तो हम भाई आ चुके हैं फोर्थ लेवल पे। एंड भाई फोर्थ लेवल में मुझे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ये बी अंदर ना आ पाए। बेसिकली हमको करना यही है कि भाई इन बी को अपने मतलब अंदर नहीं, उसके अंदर आने नहीं देना। अगर ये अंदर आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये मुझे डंक मारेगा, जिससे क्या होगा कि ये गेम हम हार जाएंगे। तो भाई ये भी गेम मुझे ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, क्योंकि अभी शुरुआत का लेवल है इसलिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल हार्ड होता जाएगा। और भाई जैसे जैसे लेवल हार्ड होगा तो हमको और थोड़ा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत पड़ेगी। बेसिकली अभी कुछ ज्यादा कॉमन सेंस लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शुरुआत का लेवल इसलिए बहुत ही इजीली पार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई देखो यार बारी बारी से मैं फटाफट सब लेवल को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। एंड भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं 6th लेवल पे। एंड भाई 6th लेवल में भाई मुझे बहुत ही आसानी से पार कर दिया। देखो यार यहाँ पे क्या है, नीचे आपको वाटर दिख रहा होगा। भाई अगर हम इसको सिंपल सा अगर ड्रॉ करते तो होता ये कि 3 का 3 डॉग जो है पानी के अंदर गिर जाता, यानी कि वाटर के अंदर गिर जाता, तो क्या होता कि गेम को हम हार जाते। तो भाई मुझे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना था ताकि ये डॉग सेव हो जाए। भाई देखो 7th लेवल पे आ चुके हैं। भाई 7th लेवल पे मुझे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, देखते हैं कि ये बी अंदर घुस पाता है कि नहीं घुस पाता। बेसिकली ये घुसेगा भी नहीं, बल्कि क्या करेगा कि धक्का भी, मतलब भाई मुझे पानी में गिराने की कोशिश करेगा। मुझे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि मैं पानी में गिर ना सकूं। तो भाई देखो यार अभी आ चुके हैं हम 8th लेवल पे। एंड 8th लेवल पे आते ही मुझे इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर हम इसको कैसे ड्रॉ करें ताकि ये पानी में ना गिरे। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया है ताकि ये पानी में ना गिर पाए। अगर ये पानी में गिरेगा तो क्या होगा कि हम गेम को हार जाएंगे। एंड भाई देखो यहाँ पे गेम हम जीत गए और हम जो है बच जाए। और भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं 9th लेवल पे। एंड भाई 9th लेवल पे आए हैं तो भाई ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है। एंड भाई इसी के साथ साथ ये भी मुझे लगता है कि लेवल पार हो ही जाएगा, और भाई ये पार भी हो गया। तो भाई चलो आप चलते हैं 10th लेवल पे। तो भाई हम 10th लेवल पे गेम को लेके आ गए हैं। एंड भाई ये लेवल बिल्कुल ही इजी लगता है बाकी लेवल की तरह। तो भाई ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लगा, तो भाई इसी तरह मतलब लेवल हमको मिलता जाएगा। तो भाई सीधा चलते हैं 20 लेवल के पास। अब भाई सीधा हम 20 लेवल पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि भाई शुरुआत का लेवल आपको पता ही होगा कि बहुत ही इजी रहता है। एंड भाई हमको चाहिए थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन, यानी कि भाई माइंड वाला हमको थोड़ा टास्क चाहिए। और भाई देखो यार यहाँ पे मैं थोड़ा चूक गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाटर के अंदर गिर गया। एंड भाई इसी के साथ हम गेम को भी हार गए थे। लेकिन भाई चलो दोबारा से जो है सो गेम पे ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई इस बार लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन भाई इस बार भी वही हुआ, बी अंदर घुस गया और भाई हमको डंक मार दिया, जिससे कि क्या हुआ ये गेम को हार गए। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है कि हम इस बार बच जाए। देखो यार इस बार क्या होता है, हम इस बार बच पाते हैं कि नहीं बच पाते। और भाई इसी के साथ साथ जो है हमारा 20 लेवल कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई चलते हैं अपने 21 लेवल पे। एंड ये वाला लेवल मुझे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इजी ये पूरा हो सकता है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि ये भी अंदर ना आ सके। मुझे लगता है क्या कि ये बड़ा बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा, ये मुझे कंफर्म है कि इसमें मतलब भी जो है हमको डंक नहीं मार सकता है। और भाई इसी के साथ चलते हैं 22 लेवल पे, क्योंकि हमारा 21 लेवल पार हो चुका है। और भाई देखो 22 लेवल हमको थोड़ा मतलब इजी नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई देखो यार बी मुझे पता ही था कि अंदर घुस जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा था कि बी अंदर घुस जाएगा। तो भाई इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए, और भाई ड्रॉ करते ही क्या हुआ कि भाई इस बार हम गेम को जीत गए हैं, मुझे जहां तक लग रहा है गेम जीत जाएंगे। देखो ये देखो यार ये वाला लेवल भी बहुत ही आसानी से पार हो गया।
एंड भाई अब आ चुके हैं 23 लेवल पे। एंड भाई 23 लेवल पे आने के बाद मुझे ये वाला कुछ लेवल हार्ड नहीं लगा, बहुत ही इजी था, जिसको बहुत ही इजी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। और भाई ये कंप्लीट हुआ तो भाई सीधे आप चलते हैं 24 लेवल पे। एंड भाई 24 लेवल पे जाने के बाद देखते हैं कि आखिर वो लेवल कैसा है। तो भाई देखो 24 लेवल पे आ चुका है, तो इसमें सिंपल था, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिससे कि ये बी अंदर ना आ सके। और भाई हो सकता है कि बी मुझे ऊपर भी ले जाए, देखो ले गया और भाई गेम को मैं हार गया। भाई कुछ ऐसा करना है कि ताकि ये बी जो है सो हमको ऊपर ना ले जा सके, हम यहीं पर, अगर स्क्रीन से हम बाहर गए तो भाई सीधी सी बात है कि इस गेम को हम हार जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से इस बार मैंने इस लेवल को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा था ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। तो भाई आ चुके हैं 25 लेवल पर, और ये लेवल कुछ मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, इसको बहुत ही आसानी से मैंने पार कर दिया। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना यार।